सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द फाइनल मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यू कासेज यूनाइटेड एट दी वेम्बली काराबा कप का फाइनल होने वाला है ऑन संडे एट टेन पी एम इंडियन टाइम पे बहुत ही धमाकेदार और इलेक्ट्रिक मैच होने वाला है भाई इस मैच को लेके मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या बताऊँ एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन मैंने वैसे जर्सी नहीं पहनी हुई आज अनफॉर्चुनेटली बट मैं कहना चाहूँगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच होने वाला है आज वो मैच का प्रिव्यू करने वाले हैं हम लोग और मैं एज ए यूनाइटेड फ़ैन क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और क्या सोचता हूँ और आप एज़ ए यूनाइटेड फ़ैन या एज़ ए न्यूट्रल फैन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गेम से और क्या दोनों टीम्स को करना चाहिए मैच जीतने के लिए या नहीं जीतने के लिए या क्या गलतियाँ हो सकती है लेट्स हैव अ लुक सो हियर वी गो मैं नए तरीके से आज वीडियो बनाने वाला हो एक टैक्टिकल बोर्ड लेके आया एक एनालिसिस लेके आया जहाँ पर हम प्लेयर्स मूव कर सकते वगैरह वगैरह बट उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ आज आप लोग सोच रहे हो कि विपुल किधर है भाई विपुल इज़ नॉट हियर टुडे वो चेल्सी वर्सेस स्पर्स का टैक्टिकल एनालिसिस या मैच अनालसिस करने वाला है सो डू चेक आउट हिस वीडियो ड्रॉप हो जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे बट सीधा मूव ऑन करते हैं द मोस्ट इलेक्ट्रिक गेम ऑन संडे स्पर्स और चेल्सी से बहुत इलेक्ट्रिक होने वाला दैट्स फॉर श्योर और मुझे लगता है ये वन टू लुक फॉर मैच है बिकॉज दोनों फैंस बहुत इलेक्ट्रिक रहने वाले हैं वेम्बली का स्टेडियम है गाइज वेम्बली इज मैसिव वेम्बली इज़ यू मंगइ भाई दोनों टीम न्यू कैसल की बात करते न्यू कासल ने नाइन्टी नाइन से कभी फाइनल पहुँचे नहीं है इन नाइनटीन नाइनटी नाइन दैट वॉज देयर लास्ट फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो वो टू वन हारे थे सो मैसे फॉर देम उनको रिवेंज की भूख लगी है एंड हमको एज यूनाइटेड फैन छः साल की भूख लगी है ट्रॉफी जीतने के लिए दोनों के लिए बहुत ही ह्यूमंगस होने वाला ये ट्रॉफी फॉर द सीज़न एंड फॉर द अपकमिंग ईयर्स सीधा जान लेते भाई कि क्या हो सकता है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ जर्सीज नंबर डाले हैं ना किसी के नाम डाले ना कुछ बट मैं आप लोग को एक बार रिव्यू दे देता हूँ या प्रिव्यू दे देता हूँ कौन है ये सब सो so, यहाँ पर गोलकीपर पोजिशन पर नंबर एटीन इज लॉरीज कैरियर्स भाई अचानक से वो बंदा फाइनल में पॉप हो गया और आप लोग सोच रहे हो कैसे बिकॉज निक पोप ने एक स्टूपिड सा रेड खा लिया एंड ही इज आउट एंड सो इज डुब्राफका क्योंकि डुब्राफा यूनाइटेड के लिए लोन स्पेल में खेल चुके थे सो ही इज आउट ऑफ द फाइनल एंड फ्रॉम सम वेयर भाई लॉरीज कैरियर्स हैज पॉपड अप और रिवेंज की भूख लगी है भाई इस बंदे को भी बिकॉज फाइनल में डिजास्टर परफॉर्मेंस ड्रॉप किया था फॉर लिवरपूल अगेंस्ट रियाल मंड्रिड सो लेट्स सी हाउ दैट गोज नंबर थर्टी थ्री द लेफ्ट डैन बर्न वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन दिस टूर्नामेंट आर्ग्यू नंबर फोर पे स्वेन बॉटमैन भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंट्रल बैक, नंबर फाइव पे शेयर अनदर ग्रेट सेंट्रल बैक नंबर टू इज़ केरिन ट्रिपियर नंबर थर्टी नाइन द मेन मैन ब्रूनो गुमारेज नंबर थर्टीन इज थर्टी सिक्स इज़ शॉन लॉन्ग स्टाफ number 28 is joe willock number 7 is joe linton uh, number 9 is callum wilson and finally number 24 is miguel almaron And you beach mein football, hai, by the way i number 27 is Weghorst, number 21 antony number 8 bruno number 10 rashford number 18 casemiro number 17 fred Twen 20 dollar 19 varan 6 lissandro martinez 23 luke shaw and 1 david de gea तो मेरा ये प्रेडिक्टेड लाइनअप है फॉर न्यू कासल मची शार्टेड के लिए जो मैंने अभी आपको बताई है फॉर मी आई थिंक डालोट स्टार्ट करेगा ओवर वैन बिशाखा उसके ऊपर मैं अभी एक रीज़न बताने वाला हूँ पूरा एंड फॉर मी फ्रेड ऑल्सो स्टार्ट ओवर सबित सर उसके ऊपर भी एक रीज़न है एंड सैचो नहीं दिख रहा आप लोग बोलोगे कि सैनचो क्यों नहीं है रीज़न है मैं आपको पूरा समझाऊंगा ट्वेंटी सेवन वेगो वेगोश्राई करें अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सीधा एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं जैसे ही मैच स्टार्ट होगा जैसे ही ये फुटबॉल किक ऑफ होगा बाय द वे ये सब चीज़ों को भूल जाना प्लीज़ uh, मैं कुछ इसका इलाज नहीं कर सकता तो जैसे ही फ़ुटबॉल उड़ता है मिनट वन तो मिनट वन में जब अगर यूनाइटेड के पास किक ऑफ़ में बॉल यहाँ पर रहती है सपोज लिसांड्रो हैज़ द बॉल लिसांड्रो के पास बॉल है एंड शॉ यहाँ पर है एंड रैशफर्ड इज यर फ्रेड इज यर ब्रूनो इज यर वेगोस्ट इज ईयर एंटनी इज यर एंड डालोट इज यर ताकि हम यहाँ से पोजिशन घुमा पाए यहाँ पर आता है न्यू कासल का द फेमस प्रेस दैट दे डू दैट दे हैव बिन डूइंग इट फॉर द होल प्रीमियर लीग आप लोग सोचेंगे कि न्यू कासल फोर्थ या फिफ्थ पे कैसे इस सीजन अब देखो वो स्टार्टिंग में करते क्या अब होगा ये कि ये जो बंदा है कैलम विल्सन ही विल ड्रॉप एट एज अ प्रेस मैन और यहाँ पर मिगुएल आलमेर ये स्पेस क्लोजिंग करेंगे एंड ट्रिपेयर विल गो ऑन रैशफर्ड विद वन ऑन वन दीज डिफेंडर्स विल प्ले हाई लाइन और ये नंबर ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री विल गो ऑन एंटनी नंबर सेवन जो उनका जो लिंटन है ही विल ड्रॉप इन मिडल लाइंस लाइक दिस और नंबर ट्वेंटी एट हेयर हियर एंड शॉन लॉन्ग स्टाफ अब ये होगा इनका प्रेस विद वेगोस लिविंग एट दिस स्पेस अब ये इनका अर्ली लाइन प्रेस है अब आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है ये डालोट इतना ओपन क्यों है ये भी एक टैक्टिक है वो चाहते हैं कि आप विंग साइड बॉल डालो और कुछ ट्राई करो डिफरेंट जिसमें आप गलती करो अब इतना भी तो आसान नहीं है लिसांडो मार्टीनस को एक ही बार में पिंग करना डालोट के लिए दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर लिसांडो मार्टीस टू डू तो सबसे पहली बात जो न्यू कासल पूरा सीजन करते आई है वो है ये अर्ली प्रेस वो बॉल जैसे भी यहाँ पर हो या अगर वरान के पास हो ही विल ड्रॉप हियर विल्सन सॉरी विल्सन विल गो हियर फिर ये यह यहाँ पर यहाँ पर ड्रॉप होंगे एलमेरॉन तो ये पूरा सीजन का इनका कहानी है ये हाई प्रेस खेलते हैं कब स्टार्टिंग के हाफ में स्टार्टिंग के गेम में 10-15 मिनट में दे विल गो एब्सोल्यूट बॉन्करस ये हाई लाइन वो मेंटेन करके रखेंगे सेंट्रल बैक्स के साथ और न्यू कासल विल एब्सोल्यूट किल यूनाइटेड दे विल ट्राई टू किल यूनाइटेड वो चाहेंगे कि हम कैसे भी करके बॉल यहाँ फाइनल थर्ड में मेरो या फ्रेड के आसपास से बॉल निक कर ले और एक बार अगर यहाँ से बॉल निक हो गई दैन लट विल्सन लुक एट ऑन और यहाँ से जो लिंटन भी भागते हुए आएगा सो so ये यहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है न्यूकासल की और उन्होंने काफ़ी गोल्स भी स्कोर किए यहाँ पर मैं स्क्रीन पे एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि कैसे उन्होंने खेला इस सीज़न कैसे उन्होंने प्रेस किया इस सीजन यही फॉर्मेशन पे तो ये तो ये तो बात हो गई अर्ली हाफ में कि वो अर्ली हाफ में कैसे खेलेंगे तो मैं बस जस्ट इसको एक रीसेट मार देता फास्ट रीसेट यस तो ये एक फास्ट रीसेट हो गया तो अब मैं मेरा कहना है कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई न्यू कांसल एक टाइम के बाद पंद्रह बीस मिनट के बाद वो चेक करते यही सब आ, प्रेस करके और उसके बाद अगर उनको गोल नहीं मिलता है ऑब्वियसली वो नाइन्टी मिनट तक ऐसी गेम नहीं करते फिर आता है द टिपिकल न्यू कासल गेम जो एरिक टेनाग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दे नो हाउ टू वेस्ट टाइम दे नो हाउ टू किल द गेम टाइम एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ड्रॉ पेनल्टीज जो भी मेरे को लगता है न्यू का मेन इंटेंशन रहेगा टू हिट ऑन द काउंटर और टेक दिस मैच एज अ ड्रॉ एंड सीट ऑन पेनल्टीज मुझे लगता है यही एक उनका विजन है मैच में दे विल नॉट ट्राई टू काउंटर अटैक यूनाइटेड आई मीन मतलब यूनाइटेड के साथ टू 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 मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे जैसे हमने बार सा यूनाइटेड में देखा है इट विल भी समथिंग डिफरेंट तो अब जो उनका मेन गेम रहेगा वो है प्रॉपर डिफेंसिस जो उन्होंने पूरा सीजन किया अब मैं उस पर बात करूँगा डैन बर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर राइट ईयर बिकॉज ये बनता है छः फुट पाँच या छः फुट सेवन आई थिंक डैन बर्न इज समथिंग लाइक दैट ये भाई आई थिंक इन दोनों में कोई छः छः फुट पाँच और छः फुट सात का डिफरेंस है द सेंट्रल बैक एंड डानब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैन इट कम्स टू डिफेंडिंग ये पूरा जो इनका डिफेंस लाइन है दे कम्स नारो ये पूरा नारो हो जाता है ब्रूनो गोमारेस एंड लॉन्ग स्टाफ स्टॉफ ही विल बी हेयर जो लिंटन विल बी हेयर एंड ओनली लोन स्ट्राइकर विल बी कैलम विल्सन अब मैं बोलता हूँ वेगोस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है मोर देन राशवर्ड आज स्ट्राइकर वेगोस्ट के इम्पोर्टेंस से ये होगा या प्रेजेंस से ये होगा वी विल बी एबल टू अटैक और वी विल बी एबल टू प्ले वन टच या वेगोस्ट या यू कैन पिंग क्रॉसेस टू वेघोस्ट अब राशफ को चाहिए क्या राषव को चाहिए पेस राश हमने इतने सालों से देखा लो ब्लॉक के अगेंस्ट जहाँ पर बहुत भीड़ हो इट इज़ हार्ड फॉर राश टू कन्वर्ट गोल्स या गेव असिस्ट और थोड़ा प्ले बनाना वेगोस्ट के साथ हमको थोड़ा सा अपर हैंड इस चीज़ में है दैट लुक शॉ कैन ड्राइव इन हीयर एट द फार साइड विद राशफ हीयर एंड यहाँ पर अगर डालोट को भी डाल दे विद आंटे नी तो अब डालोट और शॉ ये चीज़ कर सकते दे कैन कंटिन्यूसली पिंग बॉल्स पिंग द बॉल्स फॉर वुड वेगोस्ट क्योंकि मुझे लगता है अगर हम राश को शाइकर पर खेलाते न्यू कासल इतना जगह ही नहीं देगा राशफड़ को भागने के लिए राषफड़ का पेस इस गेम में न्यूट्रलाइज है आई थिंक अगर हो जाए तो गुड बट मुझे लगता है कि राशफड़ का पेस इस गेम में नहीं आने वाला है इट विल प्रॉबेबली ओनली बी वुड वेगोस्ट जो स्ट्राइकर पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड ब्रूनो टू प्ले मोर अटैकिंग विद कासेमेरो द होल्डिंग एंड फ्रेड यहाँ पर विद द हाई लाइन ऑफ लिस एंड वरान मुझे लगता है ये पूरे गेम का सिनारीो होगा आफ्टर द फर्स्ट ट्वेंटी फाइव मिनट्स बिकॉज दे विल प्ले डी भाई और एक बार अगर उन्होंने बॉल लिख कर लिया ना दे विल स्ट्रेट अवे लुक फॉर जो लिंटन फॉर एलमरॉन एंड फॉर विल्सन वो थ्रू द लाइन रन तो शॉ को ट्रैक बैक करना पड़ेगा कासेमेरों को ट्रैक बैक करना पड़ेगा डैलोट को ट्रैक बैक करना पड़ेगा इट्स गॉन बी हार्ड टास्क भाई बहुत एनर्जी खर्च होने वाली है और ये चीज मत भूलना न्यू कासिल को एक हफ्ते की रेस्ट मिली है एंड यूनाइटेड को सिर्फ दो दिन का रेस्ट मिला है आफ्टर प्लेइंग अ हाई इंटेंसिव गेम अगेंस्ट बार्सिलोना तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला हो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और मुझे लगता है कि यहाँ पर फटीक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसके लिए मैंने कहा कि साबित सर की जगह हम फ्रेड को खिलाएंगे बिकॉज़ फ्रेड को वो कॉन्फिडेंस आ गया है फ्रेड ने बारसा के सामने भी गोल स्कोर किया फ्रेड को वो एक अपर स्टेज का कॉन्फिडेंस है जहाँ उसको लगता है कि वो कुछ कर सकता है मे भी उसका लॉन्ग शॉट हमें पता है ज़मानों से कि रोज एड पर उसके लॉन्ग शॉट्स एंड होते हैं बट हु नोज भाई हु नोज़ फ्रेड का एक स्क्रीमर आ जाए जैसे बारसा के अगेंस्ट वो एकदम थ्रू द लाइन्स मिडल में पॉप हो गया बिटवीन द डिफेंडर्स एंड उसने गोल स्कोर कर दिया मुझे मैं वही चीज़ कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रेड टू ड्रॉप इन द मिडल लाइन्स भाई डानबर्न के यहाँ पर ड्रॉप हो जाओ मिडल में या ट्रिपियर एंड इसके बीच में ड्रॉप हो जाओ शेयर के बीच में क्योंकि बॉटमैन बहुत हाइटेड बन रहा है बॉटमैन के साथ पंगे लेना इज़ नॉट गुड क्योंकि इस सीज़न बॉटमैन एंड डानबर्न हैज़ बिन सुपर और ट्रिपियर ऑन द राइट एंड साइड हैज़ बिन सुपर तो अगर हम डिफेंसिवली गेम देखें न्यू कासल का दे आर द सेकेंड बेस्ट इन यूरोप इन यूरोप में कह रहा हूँ इन द टॉप फाइव लीग्स जो लालीगा प्रीमियर लीग सीरिया हम बात करते हैं लीग वन ये सब में न्यू कासल कम सेकेंड वाइल कंसीडिंग द गोल्स मतलब भाई गोल कंसीड नहीं करते मेकल आर्टेटा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे दैट वी हैड ओनली फोर्टी थ्री मिनट्स ऑफ प्ले आउट ऑफ द नाइन्टी मतलब भाई न्यू कासल आर टॉप लेवल वाइल इट कम्स टू डिफेंडिंग और भाई टाइम वेस्टिंग तो उनके नस नस में भाई इस सीजन मतलब उनको बस गेम का टाइम किल करने आता है दैट्स अ बिग वरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैसा खेलना चाहिए मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइड को चढ़ के खेलना चाहिए भाई चढ़ के खेलो जानवर जैसा खेलो वो नब्बे मिनट जो हम लोग संडे खेलने वाले हैं जो हम कल खेलने वाले हैं दैट्स द बिगेस्ट नाइनटी मिनट्स वी वुड हैव ऑल सीजन क्योंकि हमें ट्रॉफी चाहिए गाइज हमें अब वापस वो नाइन टोकन नाइन्टी मिनट्स नहीं चाहिए जहाँ हम से मतलब सेकंड पोजिशन लेके आ जाए सेकंड पोजिशन मीन्स नथिंग भाई फाइनल में आके कोई याद नहीं रखता भाई कि कोई फाइनल में आया था कोई मैचेस्टर नाम की टीम फाइनल में आई थी नो वन केयर्स ओनली द विनर काउंट्स मुझे लगता है यूनाइटेड को पूरा जान निकाल के खेलना चाहिए भाई प्रेस एज हाई एज यू कैन मतलब अगर न्यूकासल को बॉल मिलता है ना जस्ट गो फॉर इट भाई जस्ट गो फॉर इट डाइव या भाई कुछ भी करो स्लाइड करो बॉल पोजिशन वापिस लो ट्राई टू तो बी एज फास्ट एज यू कैन इन अटैक्स वन टच फुटबॉल न्यू के सामने इज द बेस्ट यू कैन एंड जो मैंने सेमीफाइनल में भी देखा न्यू को साउथ साउथ एम्पन के अगेंस्ट गोल मारते हुए दे आर वेरी फास्ट इन काउंटर अटैक्स भाई उनको अगर आपने चांस दे दिया काउंटर अटैक पर हिट करने का ना दे विल किल यू भाई दे विल एपसल्यूटली किल यू एंड यहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ तीन चार बड़े प्लेयर्स के यूनाइटेड यूनाइटेड में तीन चार बड़े एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे वरान कासेमेरोविड डया ऑफ कोर्स एंड रूनो फर्नांडिस मैं इन चार पर एकदम काउंट कर रहा हूँ ऐसे प्रेशर मैच पर बिकॉज इन्होंने वो स्टेज पर खेल लिया है जहाँ उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कुछ कर सकते हैं ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं एंड आई वॉन्ट दैम फोर टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम अगर ये चार अच्छा खेल गए ना गाइस वी विल विन द कार अबाउट कप मार्क माई वर्ल्ड्स क्योंकि राशफर्ड हमने देख लिया बार्सिलोना के सेकेंड लेग में ही वॉज आउट ऑफ द गेम बट स्टिल वी वन बिकॉज ऑफ एंटनी एंड मैंने सैचो को रूल आउट किया था मैंने मैं उस टॉपिक पर आ नहीं बाए आई एम सॉरी मैं सैचो को रूल आउट किया था जस्ट बिकॉज एंटनी स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट बार्सेलोना एंड राइट हैंड साइड पे सैचो हैज़ डन नथिंग एंड जब भी वो अपने अपने जो उनके साथ बीच में चीज़ें हुई थी उसके बाद वो वापिस आए ही हैज़ बीन वेरी गुड ऑन द लेफ्ट एंड साइड एंड ऑन देंट्रल साइड नॉट ऑन द राइट एंड साइड तो राइट एंड साइड पे देर इज नन अदर टू प्लेन एंटनी एट द मोमेंट और राशवर्ट को हम गेम से बाहर नहीं रख सकते ओनली ओनली फेज इंजर्ड आई होप नॉट अगर वो इंजर्ड है राशवर्ट दैन सैचो ऑन द लेफ्ट एंड साइड ओनली ऑप्शन लेफ्ट बट प्लीज़ प्ले ब्रूनो फर्नाडस ऑन द कैम्प पोजिशन बाई मुझे लगता है मैं जी शर्ट कैन विन दिस गेम आप लोगों को भी क्या लगता है प्लीज़ कमेंट्स में बताओ और मेक श्योर टू तो लाइक द वीडियो एंड like सब्सक्राइब so, कर दो चैनल को फॉर मोर एनालिसिस लाइक दिस ये फर्स्ट एनालिसिस है इस चैनल पर सो माफ़ कर देना अगर कुछ भी ऊपर नीचे फील होता हो तो आई एम ट्राइम ट्राइंग समथिंग न्यू एंड प्लीज़ बताना कैसा लगा और आपका स्कोप प्रडिक्शंस भी दे दो कमेंट्स में सी यूगा इज अन्टिल द नेक्स्ट टाइम पीस आउट